हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका दोस्त आपका भाई रवि। दोस्तों आज के ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ बहुत सारे लोगों की जो इंक्वायरी थी, बोल रहे थे कि रवि भाई जो पार्टीशन मिलता है कितने का मिलता है और कैसा होता है और उसका कितना चार्ज होता है। तो दोस्तों इस बारे में आज पूरे डिटेल में आपको वीडियो दिखाऊंगा कि कितना बड़ा होता है और कितना उसका चार्ज होता है और कौन कौन से एरिया में मिलता है और जो मैं अभी हूँ उस एरिया के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल का बटन जरूर दबा दें, उससे मेरी जो अगली वीडियो कैसे आएगी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों देख सकते हैं कि मैं एक रूम के अंदर दो रूम बनाते हैं, जो पार्टीशन होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ठीक है, ये मैं आपको रूम खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एक रूम के अंदर दो रूम बने हैं, ठीक है। एक रूम है इधर से इधर को और दूसरा रूम इधर से इधर को। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है रूम, ये देख सकते हैं मेरी आवाज़ भी टकरा रही है रूम के अंदर हमें, ठीक है। तो ये 1.5x1.5 की जो टाइल है, अभी यहाँ पे काम चल रहा था, सारा सामान अभी दरवाज़ा लगाना बाकी है। तो देखो 1, 2, 3, 4 और एक आत्मा छत। तो मैंने जैसे फिट से नापा तो 6 फिट, थोड़ा सा 5 इंच के आसपास, 6.5 फिट ऐसे है और ऐसे ये है 5 पूरे हैं, तो ये लगभग 7 फिट ऐसे है। तो देखो 6 फिट ऐसे, 7 फिट ऐसे, ये छोटा सा कमरा दो है, ठीक है। तो अभी मैं बता दूसरा कमरा दोस्तों ये है, देखो आप देख 1, 2, 3, 4 थोड़ा सा, तो आप मान के चलो कि ये भी 6 फिट ऐसे ही है और लंबाई कम से कम होगा 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और वो आधा है, लगभग 7 है। दोस्तों ये 10 फिट ऐसे होगा, देखो ठीक है, 6 फिट ऐसे, 10 फिट ऐसे, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक कमरे के अंदर दो कमरे बना रखे हैं, देखो ये अभी कम है, अभी दिखा दूँ। इसका ये दरवाज़ा है, दोनों का दरवाज़ा, जो कमरे के अंदर जाने के बाद दो दरवाजे हैं, ठीक है ये। तो दोस्तों इसमें आपको बड़ा कमरा है ये आपको मिल जाता है इधर पे 60 KD का, ठीक है 60 KD का, और इसमें विंडो भी रहेगी और एसी रहेगा। देखिए इधर एसी मतलब आपको कूलिंग बराबर देगा, अच्छी कूलिंग हो रही है यहाँ पर, अभी गर्मी है तो आधा इस तरफ रहेगा और दूसरा देखते हैं आधा इस तरफ कमरे का। तो देखिए तो आधा इस कमरे में, आधा इस कमरे में, एसी भी रहेगी, आपको एसी की भी टेंशन नहीं है। तो इस कमरे का जो प्राइस होता है ये 60 KD होता है मिनिमम, ये 60 KD है। मैं अभी सालमिया एरिया में हूँ तो यहाँ पर थोड़ा ये एरिया थोड़ा महंगा एरिया है, तो यहाँ पे, और अगर आप महाबुल्ला अगर ऐसे उधर एरिया में जाते हैं तो शायद इससे सस्ता मिल जाएगा, लेकिन सालमिया एरिया थोड़ा कुवैत का महंगा एरिया है, तो ये 60 KD का है। और ये तो दो कमरों की बात हो गई, ठीक है। साथ में दोस्तों कुवैत में किसी भी फ्लैट में दो बाथरूम होते ही होते हैं, एक बाथरूम इधर है और अभी काम चल रहा, तो ये साफ़ सफाई थोड़ा बाद में साफ़ सफाई हो जाएगी, अभी काम दीजिए, देख सकते हैं सफाई कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा बाथरूम इधर है और साथ ही में दोस्तों एक बड़ा सा किचन मिल जाता है इधर पे, और ये किचन भी आपका शेयरिंग होता है, बाथरूम किचन सारा शेयरिंग होता है, आपको शेयर करना पड़ता है। जितने भी फ्लैट में लोग रहेंगे सबका एक किचन है और दो बाथरूम है, आप अपने टाइम के हिसाब से एडजस्ट करके ना दो। तो दोस्तों ये था आपका ब्लॉग छोटा सा, आपको कैसे लगा देखो पार्टीशन का, कम से कम 50 सालमिया एरिया में थोड़ा महंगा एरिया कुवैत का, अगर आप इसके आसपास कहीं जॉब करते हैं तो आपको इतने में आपको एक छोटा सा पार्टीशन लेना ही लेना पड़ेगा, कम से कम मान के चलो कि 50 से 55 KD का छोटा और बड़ा 60 KD का पार्टीशन मिल जाता है। अगर आप वो रूम पूरा लेना चाहते हैं तो वो 110-120 KD में रूम भी मिल जाता है। अगर आप 3 लोग हैं शेयरिंग करके रूम लेना चाहते हो तो स्पेस अच्छा स्पेस होता है कि आप 3 लोग एक रूम पर रह सकते हो। तो 3 लोग अगर 110 में, तो आप 35 से 36 KD में भी आप शेयरिंग में रह सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो छोटी सी, कैसी लगी आपको मेरे को जरूर बताना। फॉर मोर वीडियो शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक, थैंक यू सो मच।